रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है? द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। पहले तुमको स्टेटमेंट नहीं समझना है, पहले तुमको एक ट्रायंगल समझना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो समझना है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको नाम दे दो ई, इसको नाम दे दो एफ, इसको नाम दे दो जी। तो जो बड़ा हुआ पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए सी एफ ये एक्सटीरियर एंगल है, इट्स एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ये थ्योरम क्या बोलता है? द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी हो सकता है एक्सटीरियर एंगल, ये भी हो सकता है, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल हो सकता है ना। जिधर जिधर उंगली जा रही है देखो, डिंग 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 डिंग, बाहर से जो भी एक्सटेंडेड है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल। नाउ व्हाट इज थ्योरम सेज, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये जो एक्सटीरियर एंगल है बेटा, इसका मतलब होता है इक्वल टू, सम का मतलब प्लस। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, मेरे साथ रिपीट करो, बाजू के सामने वाले ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। ये समझ सोचो, अभी ये सोचो, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये जो बाहर का एंगल है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर। मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब क्या, बाजू के सामने वाला, मतलब एंगल ए एंड एंगल बी, और इनको तीन डिजिट्स में लिखने का, मतलब ना एंगल को तीन डिजिट्स में लिखने का। तो ए को कैसे लिख सकते हैं, बीएसी लिख सकते हैं, एंगल बीएसी, और बी को कैसे लिख सकते हैं, एबीसी। सो दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बाजू के सामने वाला, तो बाजू का बाजू वाला ही है और सामने ये दो एंगल है, तो पहले इनको एक मिडल में एक डिजिट से लिखने का, फिर बाकी के दोनों भर देने का। और रीजन क्या आएगा, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रीजन लिखने का, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके बेटा, रिमोट इंटीरियर एंगल, ई ए सी को एक्सटीरियर एंगल मान रहे हो, तो उसके बाजू के सामने वाले ई ए सी ये वाला एंगल को मान रहे हो, इसका बाजू के सामने वाले एंगल बी प्लस एंगल सी, पहले इतना लिख दो, एंगल बी को भर दो ए बी सी और सी को भर दो ए सी बी, पहले बीच वाला लिख देने का फिर बाकी के दोनों भर देने का। ई बी जी, इसको एक्सटीरियर एंगल ले रहा हूं मैं, तो ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं, इसके बाजू के सामने वाले, तो एंगल ए प्लस एंगल सी और फिर भर देने का। एंगल ए क्या हो सकता है, बी ए सी, और सी क्या हो सकता है, ए सी बी, और दोनों का रीजन क्या आएगा, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। बच्चों इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए सी डी, एक फिगर दिया तुमको ए बी सी एंड डी, इस फिगर में ए सी डी तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बी तुमको दिया है 40 डिग्री और एंगल ए दिया है 70 डिग्री, तुमको बोला है एसीडी निकालो। तो पहली बात तो एसीडी क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, देखे रखा है क्वेश्चन में दिया है, एंगल एसीडी इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन ओनली। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल का निकालना है आपने, इसको फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों,
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, बाजू के सामने वाले, इसके बाजू के सामने वाले, बाजू के सामने वाले, बाजू के सामने वाले, तो एंगल ए है एक। मैंने क्या बोला, तीन फिगर से लिखो, भले एक से तो काम चल जाएगा क्योंकि इधर एक ही ट्रायंगल देकर रखा है, लेकिन फिर भी तीन के आदत डालो। ए को क्या लिखेंगे, बी ए सी, एंड बी को कैसे लिखेंगे, ए बी सी। और रीजन क्या आएगा बच्चा इसका, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। बी ए सी क्या है, बी ए सी बी फोर्टी, बी ए ना तो ए 70 है, ये बी 40 है, तो लेस 110 डिग्री है ना। एनीवन दिस इज अ गिवन पार्ट, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसको बॉक्स बना देने का बोला है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स। कुछ भी स्टेटमेंट देकर रखा है, अपने को तीनों एंगल निकालना है, तो सोचते अभी क्या बोल के रखा है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। बार बार स्मॉलेस्ट एंगल दिया है, लेकिन स्मॉलेस्ट एंगल ही अपने को पता नहीं है। एक काम करो, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स डिग्री। देयरफॉर क्या बोला है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो एक एंगल ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल का एंड दूसरा थ्राइस है, देयरफॉर द मेजर ऑफ द अदर एंगल्स विल बी ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ये क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बना रहा हूं, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक एंगल ट्वाइस है, दुगना, टू मल्टीप्लाइज एंड एक तीन गुना, थ्री इंटू दैट, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब तीनों एंगल मिल गए तो क्या करने का, देयरफॉर एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सो मैड बच्चा, अच्छी तरह से लिखना इसको, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स, थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स इज सिक्स एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू 180 अपॉन सिक्स, देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर एक्स 30 डिग्री हो गया, कैसे लिखोगे, देयरफॉर मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल विल बी 30 डिग्री, मेजर ऑफ अदर एंगल्स इज 2x, 2 इंटू 30 60 डिग्री एंड मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज 3 इंटू x, 3 इंटू 30 विच इज 90 डिग्री। देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑल्सो, ये इसे समझ में आता है। देयरफॉर लास्ट में लिखना, द मेजर्स ऑफ एंगल्स इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, थिंग कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। देखो बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एक सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं और एक तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स तुम पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में, पूरा चैप्टर है सिमिलैरिटी करके, फर्स्ट चैप्टर है ये। 9th में तुमको एक्सरसाइज 3.2 में पूरा इसके बारे में बता के रखा है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल्स जिनका सेम शेप है एंड सेम साइज है। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या, सेम शेप बट नॉट सेम साइज। बच्चा सिमिलर का सिंबल होता है ये, ऐसे बता रहा, देखो सिंबल इज शिखर धवन की मूछ, शिखर धवन की मूछ जैसा,
और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ऐसा, ये बॉक्स ऑप्शन बनाना है ऐसा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये है। ऐसा क्यों है? सिमिलर का मतलब क्या होता है, उनका शेप सेम है। इधर किसका मतलब क्या था, इक्वल भी होते हैं, साइज भी, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये दोनों सिंबल्स है इसके। अच्छा बेटा, सिमिलैरिटी के भी कुछ देखो, इसको इसको ना इजी तरीके से समझते हैं अपन, बहुत इजी तरीके से समझते हैं। ऐसा समझो मैंने फोटोग्राफ रखा हुआ है बहुत सारे, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, एक तुम्हारा बड़ा फोटोग्राफ है, सबका शेप तो सेम ही होगा लेकिन सबका साइज डिफरेंट है, तो वो सिमिलर फोटोज हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम। ये ट्रायंगल देखो और ये ट्रायंगल देखो, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो ट्रायंगल एबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ऐसे होते तो एबीसी पीक्यूआर, कितना क्यूट है ना, छोटा सा, इनका शेप सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है, तो ट्रायंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों सिमिलर होंगे एक दूसरे से लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और समझो ये कैसे बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा, इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ओके बेटा, दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इवन माय मार्कर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है बच्चों। तो वेटिक कंसेप्ट समझ में आ गया, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, हमको पता कैसे चलेगा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है, समझना पड़ेगा छोटा सा और कुछ नहीं। समझो एक ट्रायंगल है, एबीसी पीक्यूआर डिंग 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 डिंग, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, दिस आर आइडेंटिकल मार्क्स, डिंग डिंग डबाक डबाक ड्रुम ड्रुम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चा, व्हाट दिस मीन्स इज AB का जो लेंथ होगा वो PQ के इक्वल होगा, BC का जो साइड का लेंथ होगा वो QR के इक्वल होगा, साइड आ, इसका मतलब तीन तीन, जो AC का लेंथ होगा वही PR का होगा। एंगल, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल मार्क्स, आइडेंटिकल मार्क्स से क्या मालूम पड़ता है कि दोनों साइड्स में रिलेशनशिप क्या है, दोनों कैसे है। एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम मार्क्स से रिप्रेजेंटेड है, एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, क्योंकि दोनों सेम मार्क्स से रिप्रेजेंटेड है, तो यहां पर तीनों साइड्स भी इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है, तीनों साइड्स भी इक्वल है और तीनों एंगल्स भी इक्वल है, तो बच्चों ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, क्योंकि इनके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है सब और इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तुमको छह छह चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स, जब वो तीनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी तुम कह सकते हो बेटा कि भैया आपका जो है दोनों भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बहुत बड़ा रहस्य टीवी छुपा हुआ है इसके पीछे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम तीनों एंगल को देखोगे या तीनों साइड्स को देखोगे, इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत करके कुछ ऐसे ट्रिक्स निकाले जिससे हम शॉर्ट टाइम में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बहुत कम समय में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ओके बेटा। हमारे पास टाइम नहीं है ना तीनों साइड्स को तीनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो अपने क्या डिस्कवर किया, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, देर आर फोर टेस्ट,
ओके बच्चों, देयर आर फोर टेस्ट और रेदर फाइव टेस्ट अगर मैं एक ही क्लासिफिकेशन में डालू, एसएएस टेस्ट, एएसए टेस्ट, टेस्ट साइड 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 टेस्ट, फिर साइड एंगल एंगल टेस्ट, एंड देन लास्ट में हाइपोटेनस साइड टेस्ट। सास असा सा हाइपोटेनस साइड टेस्ट। एस स्टैंड फॉर साइड, ए स्टैंड फॉर एंगल। अब इसको यूज कैसे करना है मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन देयर आर फाइव टेस्ट, सास असा सा हाइपोटेनस साइड टेस्ट। बच्चों पहला टेस्ट एसएएस टेस्ट स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड। समझते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है, लेट्स से ए बी सी एक्स वाई जेड। डिंग डिंग डबक डबक डुबुक 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 साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। समझने की कोशिश करना बेटा इसको, इसका देखो बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वन टू वन करेस्पोंडेंस। ये तुमको बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसको मैं बताऊंगा, डोंट वरी, इसको मैं बताऊंगा। देखो बेटा इन दोनों ट्रायंगल में तुमको क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड व्हाट कैन यू सी, आइडेंटिकल मार्क्स से मुझे बताओ व्हाट यू कैन सी। साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स वाई, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, और तीनों डिजिट्स में लिखो तो एबीसी एंड एक्स वाई जेड। उसके बाद साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड वाई जेड, बराबर क्या गिवन पार्ट है पूरा ये। अगर ऐसा कुछ है बेटा, अगर ऐसा कुछ है, इफ दिस इज हैपनिंग साइड एंगल साइड, देन ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एंड बच्चों रीजन आएगा बाय साइड एंगल साइड। अब मेरी कुछ कुछ बातें सुन लो, मैंने एबीसी और एक्स वाई जेड क्यों लिखा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। अरे बाबा मैंने एक्स वाई जेड क्यों लिखा, मैं वाई जेड एक्स भी लिख सकता था, मैं लेट्स से एक्स को बीच में ले सकता था। मैंने ये क्यों लिखा, मैंने ये और ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों, बिकॉज ऑफ वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। नाउ व्हाट दैट मींस, बच्चों ए बी वॉज कॉन्वेंट टू एक्स वाई, तो ए बी जैसे आएगा वहां पर एक्स वाई आएगा, बी सी वॉज कॉन्वेंट टू वाई जेड, तो जिधर बी सी का पोजिशन है उधर वाई जेड का पोजिशन होगा लास्ट टू डिजिट्स में। बी वॉज कॉन्वेंट टू वाई, तो बी जिधर आया उधर ही वाई आएगा, उस पोजिशन में वाई आएगा। तो वैसे सोच के तुमको लिखना है, अभी तो एग्जाम्पल इजी था तुम डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन डिफिकल्टी वाले एग्जाम्पल्स में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और उसको मैं तुमको बार बार एक्सप्लेन भी करूंगा उधर उधर, सो डोंट वरी। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो पहले साइड होना चाहिए फिर एंगल फिर साइड, ऐसा नहीं होना चाहिए एक साइड इधर है एंगल इधर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। वन टू वन एक के बाद एक होना चाहिए, साइड इधर आ गया फिर एंगल आ गया फिर छूट गया एक, वैसा नहीं चलेगा। एक साइड आया फिर एंगल आया फिर साइड आया, एक के बाद एक होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, साइड एंगल साइड एंगल साइड। वैसे ही लेट अस सी ए एस ए टेस्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं, चलो मैं ट्रायंगल सेम ही कंसिडर करता हूं और इसको मैं रफ कर देता हूं। बच्चों बच्चों ए एस ए एक एंगल फिर एक साइड फिर एक एंगल, एक एंगल फिर एक साइड, एक एंगल फिर एक साइड फिर एक एंगल, एक एंगल फिर एक साइड और फिर एक एंगल,
एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, वो भी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जो इसमें हो रहा है वो इसमें भी होना चाहिए, जो हाल दिल का यहाँ पर है यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी वो शादी कर पाएंगे और तभी वो फैमिली बना पाएंगे, बराबर क्या? क्योंकि अगर जो इसका हाल है वो इसका हाल होगा तभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंड एंगल एक्स वाई जेड, एंगल बी ले लो पहले, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, फिर भर दो एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, फिर साइड बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड वाई जेड, तो एंगल आ गया, साइड आ गया, फिर एक और एंगल आएगा एंगल सी एंड एंगल जेड, पहले हमेशा बेटा बीच का लिख देने का, फिर दोनों भर देने का, आजू बाजू के बीच का लिख लिया, फिर भर दो दोनों भी, बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड एक्स, तो एंगल साइड एंगल, देन दिस ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, और रीजन क्या आएगा, ए एस ए टेस्ट, वापस एबीसी और एक्स वाई जेड क्यों कॉन्ग्रुएंट है बच्चा, अगेन ये क्यों नहीं, रीजन इज सिंपल, बी वाई, जब देखो B और Y congruent है, तो जिस जगह पे B होगा उसी जगह पे Y होगा, BC is congruent to YZ, तो जहां पर BC होगा वहां पर YZ होगा, तो जहां पर BC है वहां पर YZ है, जहां पर C है वहां पर Z होगा, जहां पर C है वहां पर Z होगा, इसको हम बोलते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस, मतलब जो हाल दिल का यहां पर है इधर भी होना चाहिए, मतलब BC congruent है YZ से, तो जहां पर पोजिशन BC का है वहां पर YZ का होना चाहिए, तभी वो congruent आएगा, सेकेंड वाला है बच्चों ये, साइड 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 टेस्ट, ये साइड वो साइड ये साइड, ये साइड वो साइड ये साइड, ओके, तो यहाँ पर ये साइड इससे, ये इससे, ये इससे, सबसे इजी वाला यही है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड व्हाट कैन वी हैव, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए दूसरे से, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स वाई, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये मार्क जो इसका है वही मार्क इधर है, तो दोनों भाई बहन है, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड वाई जेड, एंड साइड एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स जेड, देखो दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और यही क्यों, क्योंकि देखो ए बी जिधर है वो उधर एक्स वाई है, ए बी है उधर एक्स वाई है, बी सी है उधर वाई जेड है, बी सी है उधर वाई जेड है, तुम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ए सी जिधर है उधर एक्स जेड, जिधर ए सी है उधर एक्स जेड, पहला और लास्ट पोजिशन में ए सी है, पहला और लास्ट पोजिशन में एक्स जेड है, तो जो हाल दिल का इधर है वो इधर होगा, देन क्या बोलोगे, एस 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 टेस्ट, तीनों साइड्स कॉन्वर्ट होने चाहिए, तो अपन फोर्थ टेस्ट इज एस ए ए टेस्ट, सा बहुत बेसुरा हो गया, सा ओके सा, अब ट्रायंगल बनाता हूं मैं, लेट्स से मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाया, जरूरी नहीं है कि वो एक टाइप का ट्रायंगल हो, कैसे भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है ना, ऐसा ट्रायंगल बना दिया मैंने, अज्यूम करो दोनों सेम है ट्रायंगल, ओके दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मैंने फिगर कैसे भी बनाया हूं, डिबिंग डिबिंग, टुपुक टुपुक, डुम 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 डुम, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, और दोनों सेम होने चाहिए, तो इन ट्रायंगल लेट्स से ये मैं ले लूं पी क्यू आर ले लेता हूं मैं ये, और ये मैं ले लेता हूं टी यू वी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी यू वी, एंगल पी एंड टी आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने क्या बोला तीन फिगर में लिखने की आदत रखो, पी को बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू पी आर, टी को लेंगे तो क्या होगा यू टी वी, साइड एंगल एंगल ना, तो एक और एंगल ले लेते चलो, एंगल क्यू एंड यू, फिर भरो बीच में पी क्यू आर एंड यू को कैसे लिख सकते हैं टी यू वी, अब साइड एंगल एंगल है, साइड बाकी है, तो साइड क्या आ जाएगा, एक्चुअली होना चाहिए था पहले साइड लिखना चाहिए था अपने को, साइड एंगल एंगल होता बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, साइड क्यू आर इसको एग्जाम ऐसा मत करना, इसको कॉन्ग्रुएंट टू यू वी, साइड साइड फिर ये एंगल आएगा, फिर ये तो साइड साइड क्यू आर, सॉरी बेटा साइड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड यू वी, तो साइड एंगल एंगल, तो देयरफॉर दिस ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी यू वी बाय SAA test of congruency. For congruency, बच्चों last test is something called as hypotenuse side test.
वेरी सिंपल, हाइपोटेनस के बाद चल रही है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही, पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, एक एंगल 90 डिग्री है तुम्हारा, लेट्स से ये एबीसी है और सेम टाइप का ट्रायंगल है ये पीक्यूआर है ना। हाइपोटेनस साइड टाइप बोलता क्या है कि भाई बाबा देखो सिंपल है, ये क्या बोलता है कि बाबा तुम्हारा जो हाइपोटेनस है पहले तो उसको पहचानो कौन सा है, तो ये 90 है, भी 90 है, 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं बच्चों, ये हाइपोटेनस है। पीक्यूआर का हाइपोटेनस ये होगा, तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट क्या बोलता है कि बाबा तुम्हारा ट्रायंगल, पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तुम्हारा जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एच से एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, तो पहले तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इफ एंगल एबीसी शुड बी इक्वल टू पीक्यूआर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, दैट शुड बी गिवन टू यू, तुम्हारा जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होना ही चाहिए। और सबसे खास बात इसकी है बच्चों, इन ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस भी सेम होने चाहिए। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, एक सेकेंड ना बेटा, तो बच्चों एंगल शुड बी 90 डिग्री, ठीक है, फिर हाइपोटेनस मतलब क्या, 90 डिग्री के सामने वाला, तो दोनों के हाइपोटेनस भी सेम होने चाहिए, हाइपोटेनस एसी शुड बी इक्वल टू हाइपोटेनस पीआर, ये तो होना ही चाहिए। और एक और चीज होनी चाहिए, सबर करो सबर करो, एक साइड इसका इससे इक्वल होना चाहिए, साइड ए बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, भैया ऐसा मालूम कैसे पड़ रहा है, आइडेंटिकल मार्क्स से बच्चों तुमको मालूम पड़ जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब इसको भरो बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, कौन सा फिगर आएगा यहाँ पर, वन टू वन करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, वेरी गुड दर्शन, वेरी गुड बेटा, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, तो जो जगह ए बी की है वो पी क्यू की होगी, ए बी के जगह पे पी क्यू, और बचा एक ही आर बच गया। इट इज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स वार्म अप, जो भी अपन ने अब तक किया लेट्स वार्म अप। बच्चों तुमको सिंपल पूछ रहे हैं लोग कि बाबा अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कौन से टेस्ट से होंगे और कौन सा ट्रायंगल किस से कॉन्ग्रुएंट होगा, तुमको सिर्फ प्यार से ये धब्बे देखना है, इनके धब्बे देखना है, दाग अच्छे है, बस दागों को देखो, दाग को देखो और अपना पहचानो, दाग को देखो अपना पहचानो, एक मंत्र पढ़ो 5 रुपए लेके जाओ, 2 मंत्र पढ़ो 10 रुपए लेके जाओ, ओ माय गॉड में देखा है ना, वैसे एक धब्बे को देखो काम कर दो, दूसरे धब्बे को देखो काम कर दो, तीसरे धब्बे को देखो काम कर दो, तो ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो क्या अपन बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय एस 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 टेस्ट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो बच्चों इधर फंसाता हूं मैं तुमको, एबीसी वन टू वन करस्पॉन्डेंस लो, तो ए बी और पी क्यू का मार्क सिमिलर है, तो पी क्यू और एक ही बच गया, आर बच गया, ओके okay? अभी देखो तुमको कैसे फंसाऊंगा मैं, तुमको अगर मैं ऐसा कुछ दे दू, अब बताना बच्चों रुको, अब मैं तुमको कुछ मजेदार देता हूं, डिबिक 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 डिबिक, अब बताओ, अब बताओ, हिम्मत दो, अब बताओ, अब बताओ, क्या ये सही है, अब क्या ये सही है, अब क्या ये सही है, अब क्योंकि अब बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीआर, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यूआर, तो अगर मैं ट्राइंग अब मैं अब कैसा हो जाएगा, ए बी के बदले आ जाएगा क्यूआर, क्योंकि जहां पर ए बी है और क्यू आर उसका मार्क सिमिलर है, तो जो ए बी के जगह होगी वो क्यू आर की जगह होगी, और बचा एक ही पी बच गया, तो ए बी और क्यू आर आ गया, बीसी और पी आर, देखो बीसी पी आर, अरे क्या बात है, ए सी पी क्यू, ए सी और पी क्यू, क्या बात है, तो ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ओके, देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट, वन टू वन करस्पॉन्डेंस, एक्स वाई के बदले एल एम, और बच गया एन, दे आर बोथ कॉन्ग्रुएंट, बाय, साइड एंगल साइड टेस्ट,
एंगल साइड एंगल, तो भाई ए ऐसे टेस्ट होगा जो भी होगा, एंगल साइड एंगल। जैसे ट्राइंगल पी क्यू आर ले लेता हूं मैं, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर और एस टी, तो जहां पर पी आर होगा वहां पर एस टी होगा, और बचा क्या एस टी और यू बच गया। तो देख लो अभी पी एन एस, पी एन एस, आर टी, आर एन टी, दिमाग में आना चाहिए। अरे साइड भी है, अरे एंगल भी है और साइड भी है, तो लोग ऐसे एस लिख देते हैं, गलत है बेटा, एक के बाद एक नहीं है बेटा। देखो साइड एंगल और फिर ये है एम एन बीच में, तो एक के बाद एक नहीं है, फिर तुम बोलोगे साइड साइड और एंगल, ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर राइटिंग, इधर रॉन्ग जाना भी बहुत ईजी है, जितना ईजी समझना है उतना रॉन्ग जाना भी ईजी है बेटा, ओके उतना रॉन्ग जाना भी बहुत ईजी है, तो बी वेरी केयरफुल। तो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, देखो ट्राइंगल एल एन एम ले लेता हूं मैं, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एल एम पी आर, बचा क्या टी, तो देखो एल एन और पी टी आ गया बराबर, बराबर क्या नहीं, देखो ना मैं आइडेंटिकल बॉक्स मैंने बराबर बनाया ना, हाइपोटेनस एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी टी हाइपोटेनस, हाँ तो रीजन क्या आएगा बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या इधर, नहीं गड़बड़ हो जाएगी इधर, कुछ क्या गड़बड़ होगी बोलो, एवरीबडी टेल मी क्या गड़बड़ होगी इसमें, नॉट राइट बिकॉज देर इज नो वन टू वन करस्पॉन्डेंस। एम एन टी, देखो एम के बदले टी आना चाहिए इधर, नहीं है वैसा, एम जिधर है उधर साइड पे टी, लास्ट में एम है तो टी आना चाहिए, तो समझो लाइट राइट। अभी मैं लिखता हूँ ट्राइंगल एल एन एम लिखता हूं, अब देखो ध्यान से देखना एकदम, एम जहां पर होगा वहां पर टी होगा, तो टी लास्ट में होगा। अब एल एन है, एल एन हाइपोटेनस है, इसका हाइपोटेनस पी आर है, तो ये हो जाएगा पी आर टी, अब ये सही होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि एल एन और पी आर, देखो एल एन और पी आर, एम और टी, एम एन टी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ओके, तो दैट वे यू कैन गेट द फिफ्थ क्वेश्चन। तुमको फिगर क्या देख रखा है, काइट शेप स्ट्रक्चर देख रखा है, डुंग डुंग डु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 , अब क्या बोला है, प्रूव दैट एबीडी ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीडी, ये तुमको प्रूव करने बोला है। देखो बेटा ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है इसको मैं मिटा देता हूं वरना कंफ्यूज होगे तुम लोग, ये वाला ट्राइंगल सीबीडी, सीबीडी इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला है। तो देखो हमेशा ऐसे लिखने का सॉल्यूशन पार्ट, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी विलियर्स इन ट्राइंगल बीसीडी, जो जो तुमको दिख रहा है पहले वो लिख लो, देखो AB का मार्क और BC का मार्क दिख रहा है सेम, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC, ऑल्सो AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, और ये इंफॉर्मेशन कैसी है, गिवन इंफॉर्मेशन है, और BD कॉमन है ना दोनों के बीच में, A B D में भी BD आ रहा है, सी बी डी में भी बीडी आ रहा है, तो बीडी इज अ कॉमन साइड, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है, तो बीडी इज कॉन्वेंट टू साइड बीडी, इज कॉन्वेंट टू बीडी, इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में बीडी आ रहा है, फिर नीचे जगह नहीं मैं ऊपर लिख देता हूं,
देखो ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीडी बाय एस 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 टेस्ट, एस 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 टेस्ट। ये था इससे तू था कौन था? बीडी भी था। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, यहां पर तुमको देखे रखा है एंगल पी इज कॉन्वेंट टू एंगल आर, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। पी क्यू इज कॉन्वेंट टू आर क्यू, पी क्यू इज कॉन्वेंट टू आर क्यू, कितना इजी है बेटा। और बोला है कि दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। क्या बोला है? ट्रायंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS, करके दिखाओ। तो पहले क्या लिखने का, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RQS, देखो एंगल साइड एंगल, देखो PQT ये वाला ट्रायंगल है, RQS ये वाला ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है बच्चा, तो ये भी तुम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। दोनों ट्रायंगल में QR है, PQT में QR है, RQS में QR है, दोनों में QR है। QR है नहीं पता, क्योंकि QR है, क्यों दिया है इसके लिए QR है, समझ गए? क्यों दिया है इसीलिए आ रहा है, और आ रहा है इसके लिए हम लिख रहे हैं। ओके, देयरफॉर अभी क्या लिखोगे? एंगल पी इज कॉन्वेंट टू एंगल आर, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। ऑल्सो बच्चा लोग, साइड PQ is congruent to side QR, ये दोनों भी given है। Also, angle Q is equal to angle Q. ऐसा क्यों? It's a common angle. Therefore, triangle PQT is congruent to triangle RQS. और reason क्या आएगा? ASA by ASA test. Blood test से नहीं।